नेक्स्ट यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है, जैसे जो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, जो फर्स्ट यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्ज रेस्ट पे था, तो क्या प्रोड्यूस हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अगर चार्ज मोशन में है, मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से हमने क्या प्रोड्यूस कर दिया था, चार्ज के मोशन होने से करंट बना था, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो पढ़ा था चार्ज रेस्ट में प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड यूनिट में पढ़ा था कि चार्ज अगर मोशन में है तो बनेगा करंट। थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा था कि करंट की वजह से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा कोई नहीं, तो यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद जो फोर्थ यूनिट जो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मैग्नेट को, अगर सिंपली जैसे हमने एक वायर ली, वायर को हमने इस तरह से सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया, और एक मैग्नेट लोड, मैग्नेट को मैं आगे पीछे ऐसे करने लग जाऊं, तो ये जो कॉइल होगी इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। यहाँ पे नज़दीक लेकर आई तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगी, दूर लेकर गई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब इस मैग्नेट को आगे पीछे करने से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, एक तरह से मैग्नेट की हेल्प से करंट बनाना, समझे। हाँ, उसका उल्टा होता है, जैसे थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा कि किसी वायर में से करंट जा रहा है, तो वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। उसे नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से सिर्फ एक सिंपल वायर, उसमें कोई बैटरी नहीं लगी, कोई सेल नहीं लगी है, चाहे तुम घर पे एक वायर ले लो और उस वायर के पास मैग्नेट को आगे पीछे करते रहोगे, तो उसकी वजह से जो वायर है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड से वहाँ पे करंट पैदा हो जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कि अगर चार्ज है वो मोशन में तो है, बट कैसी है उसकी मोशन, वेरिएबल है, वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है। स्पीड अगर वैरी कर रही है, मतलब बार बार चेंज हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज है वो एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड को हम कोई और वर्ड भी बोल सकते हैं, ऑसिलेटिंग। हाँ, तो एक्सेलरेटेड है मतलब ऑसिलेटिंग है, कोई भी चार्ज है वो अगर ऑसिलेट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास बनेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या है, इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो टाइम के साथ वैरी कर रही है, टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वैरी कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब बनती है, जब कोई भी चार्ज है वो एक्सेलरेटेड होता है या फिर ऑसिलेटेड होता है, ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जब चार्ज एक्सेलरेटेड होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, और दोनों ही टाइम के साथ वैरी करेगी, ठीक है। और यही दोनों का जो ग्रुप है ना, उसका नाम बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो ही पार्टनर है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कपल होता है ना, कपल का मतलब एक लड़का एक लड़की, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, उनका जो ग्रुप बन गया उसका हमने नाम दे दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू सबसे पहले समझाया किसने था, मैक्सवेल ने बताया था सबसे पहले, जो फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट आया था, कौन था, फैराडे। फैराडे ने तो ये बताया था कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। उसका उल्टा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से भी मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है या नहीं बन सकती है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दो तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये क्वेश्चन था उस टाइम पे, क्योंकि
क्योंकि नेचर के अंदर सिमिट्री एग्जिस्ट करती है। सिमिट्री का मतलब हर एक चीज़ का एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, डार्कनेस का लाइट होता है, बॉय गर्ल होते हैं, अच्छी चीज़ होती है तो बुरी चीज़ भी होती है, तो हर एक चीज़ का एंटी एग्जिस्ट करता है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर नेचर के अंदर सिमिट्री है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी बननी चाहिए, ठीक है। तो इसको सबसे पहले बताया था मैक्सवेल ने, और यहीं से हमारी यूनिट स्टार्ट होगी। ये पूरा का पूरा था इंट्रोडक्शन, ठीक है। फैराडे ने बताया था कि फैराडे ने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। मतलब इस तरह से कि एक सर्कुलर कॉइल है, मैग्नेट को आगे पीछे करोगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो फिर मैक्सवेल ने इसका आंसर दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड कब बनती है, करंट की वजह से बनती है ना। इस यूनिट में हमने ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनेगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। क्या पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है। हाँ ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक, मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट। मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव हिज थ्योरी, टू प्रूव हिज थ्योरी। ठीक है, स्टार्ट करें। तो यहाँ पे ना हम कैपेसिटर लेंगे, कैपेसिटर की दो प्लेट्स ली। इन कैपेसिटर्स को हम सेल या बैटरी, जो भी तुम्हें लेना है ले लो, से कनेक्ट कर दिया, और एक हमने स्विच ले लिया, ठीक है। एक कैपेसिटर लिया, ये कैपेसिटर है, एक बैटरी ली, एक की ली, सिर्फ तीन ही चीज़ें लेनी है, ठीक है। इसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, दो पॉइंट्स ले लेते हैं। एक तो पॉइंट हम ले लेंगे यहाँ पे, मान लो ये पॉइंट है एक्स, और एक पॉइंट ले लेंगे कैपेसिटर की प्लेट्स के बिल्कुल बीच में, मान लेते हैं उसको हमने क्या बोल दिया, वाई। तो इन दो पर हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड। कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए कौन कौन से लॉ हमने पढ़े थे, बायोटला और एम्पियर सर्किटला, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेबल कौन सा रहता है, एम्पियर सर्किटला इजिली निकाल सकते हैं। तो यूजिंग एम्पियर सर्किटला हमें एक्स और वाई पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं एट एक्स यूजिंग एम्पियर सर्किटला कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला क्या बनेगा, बी डॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये जो बैटरी है कितना करंट सेंड करेगी, आई आई, कब, जब की क्लोज हो जाएगी, की को ओपन मत छोड़ देना, ठीक है, मार्क्स कटते हैं इसका अगर की को ओपन छोड़ देते हो तो। हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान दो, फिर लिखो एट वाई, y के ऊपर यूजिंग एम्पियर सर्किटला अगेन, यूजिंग एम्पियर सर्किटला कितना होगा, b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट कितना y के ऊपर, देखो यहां पे है ना y कैपेसिटर के बिल्कुल बीच में। अब यहां पे जो x है ना, यहां पे तो यही करंट पास हो रहा है, करंट कितना x के ऊपर भी, आई, तो इसलिए हमने आई रख दिया। लेकिन क्या वाई पे कोई करंट है, वाई तो ऐसे है ना जैसे मेरे हाथ हो गए, इनके बीच में तो बिल्कुल खाली स्पेस है, तो करंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, करंट तो पास हो रहा है, तभी तो आगे जा रहे, करंट पास नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो
आगे यहाँ पे ये जो प्लेट हमने ली है, यहाँ से एक तरह से हम क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना, तो कैपेसिटर जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो इंडक्शन के थ्रू चार्ज दूसरी प्लेट पे जाता है, ना कि हवा में से पास होते हुए। एक प्लेट पे मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके नज़दीक अगर मैं दूसरी प्लेट रख दूंगी तो उस पे नेगेटिव इंडक्शन की वजह से आएगा, मतलब उस प्लेट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर इस साइड शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से बीच में से कोई भी इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, इंडक्शन की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गई जीरो। तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर ली है। अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है, तो यहाँ पे मैक्सवेल ने क्या किया, ध्यान रखना यहाँ पे वो कौन से साइंटिस्ट के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, एम्पियर के, एम्पियर लॉ यूज किया ना उसने। तो उसने कंपास लिया, कंपास नीडल, ठीक है, उसने उस सबसे पहले एक्स पे रख के देखा, एक्स में वो नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। जैसे ही एक्स के पास रखेंगे नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। क्यों डिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड थी, करंट था, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी थी। तो मतलब इक्वेशन फर्स्ट तो है बिल्कुल करेक्ट। फिर उसने देखा वाई के ऊपर कंपास नीडल रख के, तो एम्पियर के अकॉर्डिंग तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वहां पे, जीरो। तो मतलब नीडल के ऊपर कोई फर्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, बट उसने देखा कि यहां पर भी नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो गई। अब एम्पियर तो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब एम्पियर तो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैक्सवेल ने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है नहीं तो नीडल कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है, तो क्वेश्चन अराइज हो गया ना। तो यहाँ पे जो मैक्सवेल है उसने लोगों को कहा कि एम्पियर है वो गलत है। तो क्या होगा, मतलब जब एक इतने बड़े साइंटिस्ट के बारे में कोई दूसरा साइंटिस्ट आके बोला अरे वो साइंटिस्ट तो गलत है, तो क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो नहीं करेंगे। हाँ, जैसे तुमने वो वाली बात सुनी होगी ना, वो गैलीलियो वाली। एक तो कोपरनिकस आया था सबसे पहले, कोपरनिकस ने जब ये कहा था कि अर्थ है वो गोल है और सन के अराउंड में उल्टा था, सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रही है, सन रेस्ट में है, उससे पहले जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, ठीक है, मतलब अर्थ रेस्ट में सन घूम रहा है। सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने दी थी कौन सी थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, मतलब सन रेस्ट में, हेलियो का मतलब सन और अर्थ घूम रही है, तो लोगों ने उसको जिंदा जला दिया था, ठीक है। और उसने बट अपने थॉट्स तो स्प्रेड कर ही दिए थे, फिर वहाँ से कौन सा साइंटिस्ट आया था, गैलीलियो गैलाई, उसने उसके थॉट्स से प्रभावित होकर एक इंस्ट्रूमेंट बना था, कौन सा, टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप बना और वहाँ से ऑब्जर्वेशन की। तब उसने भी अपनी एक बुक में लिख दिया कि नहीं अर्थ ही घूम रही है, तो उस टाइम पे जो ईसाई लोग थे ना उन्होंने उसको नज़रबंद करवा दिया था। क्यों, क्योंकि बाइबल के अंदर उस टाइम पे ये बोला गया था कि बाइबल में ये माना गया है कि जो अर्थ है वो रेस्ट में और सन घूम रहा है, तो इसका मतलब वहाँ से तो बाइबल गलत निकल गया, इसलिए उसको नज़रबंद कर दिया गया था। और उसने अपनी लाइफ के लास्ट के जो 8 ईयर्स थे ना वो अंधा हो गया था और अपने कमरे में बंद था उस टाइम पे, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई ना, एक साइंटिस्ट अगर कुछ बोल के गए, पहले वाले साइंटिस्ट ने कुछ बोला तो वो लोगों के दिमाग में छप जाता है। तो इसी तरह मैक्सवेल ने भी यही किया था, उसने बोला कि एम्पियर गलत है तो लोगों ने इसी का अपोज कर दिया, ठीक है। तो इसने बहुत अच्छी ट्रिक खेली लोगों के साथ, उसने कहा कि एम्पियर गलत नहीं है, एम्पियर बिल्कुल सही है, बस उसकी इक्वेशन के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है, मैं वही मिस्टेक दूर करूँगा, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि जो एम्पियर की ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, तो एम्पियर ने गलत क्या बोला था कि यहाँ पे जो करंट है, हाँ वो करंट कौन सा है, कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम करंट की डेफिनेशन बोले ना, एक नैरो माइंडेड डेफिनेशन, मतलब बिल्कुल नैरो वाली डेफिनेशन है, कि करंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही हैं, ठीक है। और अगर बिल्कुल हम ब्रॉड लेवल पे सोचे तो करंट का मतलब क्या होता है कि
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहे, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी करंट बन रहा है। तो इसने कहा कि एम्पियर ने जो ये बात बोली ना कि उसकी इक्वेशन में ये करंट कंडक्शन करंट है, मतलब सिर्फ वो करंट है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से आता है। तो मैक्सवेल ने कहा कि उसने ये बात गलत बोल ली है, लोगों को समझा के बस ये पॉइंट है ना उसने थोड़ा सा गलत बोल दिया, इसकी जगह यहाँ पे उसने एक टर्म ऐड कर दी है आईडी। ठीक है, आईडी मतलब करंट सिर्फ वही नहीं होता जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से बनता है, करंट वो भी होता है जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से भी करंट बनेगा, और उसने उस करंट का नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे थ्योरी में लिख लो सबसे पहले ये जो मैंने बात बताई है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी करवाऊंगी, लिख लो इस थ्योरी को अच्छे से। कि सबसे पहले इसने मैक्सवेल ने बताया कि जो लोग जो एम्पियर है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसने बताया कि करंट है वो सिर्फ कंडक्शन करंट है, जबकि करंट तो वो भी होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से बनता है। ठीक है, लिखो इसको अपनी वर्डिंग में लिख लो। नेक्स्ट, idea of displacement current, idea of displacement current। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्पियर की इस इक्वेशन के अंदर इसको गड़बड़ लगी, उसको करेक्ट करने के लिए मैक्सवेल ने यहाँ पे करंट की डेफिनेशन को चेंज कर दिया और एक करंट लेके आया आईडी, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसका फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। फाई ई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग, हाँ, इन्हें पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे मतलब जैसे जैसे ये फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स कब चेंज होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज होगी। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो वहाँ पे एक और करंट बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। हाँ, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी, हाँ, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हो गया, समझ गए ना? देखो एक बार दोबारा से देख लो, वहां पे मैक्सवेल ने क्या बोला कि उसने करंट की डेफिनेशन गलत दी है कि करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से होता है। यहीं से एग्जाम में ऐसे आता है कि आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ, तो वहां से तुम्हें यही पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि जो एम्पियर की इक्वेशंस थी वहां पे करंट का मतलब सिर्फ कंडक्शन करंट नहीं है, करंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से भी होता है। तो यहाँ पे करंट की जगह तुम लिख दो आई प्लस आई डी, आई होगा कंडक्शन करंट और आई डी होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। अब अगर हम इस वाली इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे एक्स के ऊपर, तो एक्स पे तो आई तो एग्जिस्ट करता है और आई डी कितना है? जीरो, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन गई। वाई के ऊपर देखेंगे तो आई कितना है? जीरो, और आई डी एग्जिस्ट करता है, तो मतलब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो इसका मतलब अब जो ये नई वाली इक्वेशन है, इसकी हेल्प से हमने एक्स और वाई दोनों के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर दिया है कि क्यों नीडल डिफ्लेक्ट होती है एक्स पे भी और वाई पे भी। और जो ये इक्वेशन थी ना, इसका नाम इसने रख दिया एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन।
ये जो नई इक्वेशन बन गई इसका नाम इसने रखा एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। मतलब यहाँ पे भी इसने एम्पियर को एक रिस्पेक्ट शो कर दी कि भाई उसका नाम पहले आएगा एम्पियर का, और मैक्सवेल क्योंकि उसने ये टर्म ऐड किया तो मॉडिफाइड फॉर्म है ये। मैंने तुम्हें बताया था ना जब हम एम्पियर सर्किट वाला पढ़ रहे थे कि ये इक्वेशन नहीं है, एक तरह से इनकम्प्लीट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, ध्यान रखना, तभी एग्जिस्ट करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। अगर हम स्टेटिक कंडीशन मान लेते कि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल नहीं रही है तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है। और यहाँ पे जो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है इसका मैग्नीट्यूड कंडक्शन करंट के इक्वल होगा। जितना कंडक्शन करंट होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंडक्शन करंट है इसी के वजह से तो यहाँ पे चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, तो इसी करंट की वजह से तो यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इकट्ठा हो ना वो हो रहा है, समझ आया? तो इसीलिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। आगे समझ में नहीं आया? देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट का मैग्नीट्यूड है वो एक जैसा होगा। अगर इसका 5 एम्पियर वैल्यू तो ये भी 5 एम्पियर होगा। क्यों? क्योंकि जो कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से है। अब इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से कंडक्शन करंट आया, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका मेन रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कौन कर रहा है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब एक और पॉजिटिव और एक और नेगेटिव आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई, एक और पॉजिटिव एक और नेगेटिव आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई। तो ये मतलब पॉजिटिव नेगेटिव लेके कौन आ रहा है? यही करंट ही तो लेके आ रहा है ना, कंडक्शन करंट। यही जो करंट है यही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ निकल के जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ निकल कर गए, इस वर्डिंग को हमने बोल दिया कंडक्शन करंट। और इलेक्ट्रॉन निकल के गए यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप कर गए, तो इस पॉजिटिव ने अपना काम किया डिस्प्लेसमेंट करंट देने का। अगर हाँ उसी में वही 5 इलेक्ट्रॉन निकल कर, 5 इलेक्ट्रॉन निकल कर ये बना रहे हैं, और वही 5 इलेक्ट्रॉन के निकलने से 5 पॉजिटिव चार्ज मिलकर डिस्प्लेसमेंट करंट बना रहे हैं। बोलो, चार्ज तो सेम है दोनों तरफ, हाँ न्यूट्रली हो जाएगा दोनों तरफ चार्ज, कौन सा सेम है? इस साइड कंडक्शन वाला, इस साइड इंडक्शन वाला, न्यूट्रल कैसे हो जाएगा? दोनों सेम है, एक दूसरे को नहीं कर देंगे। न्यूट्रल नहीं होता है, यहाँ पे करंट पास हो रहा है, यहाँ पे करंट कंडक्शन करंट है। अब ये करंट इस तरफ जाएगा कैसे? इस गैप को क्रॉस करके जाएगा कैसे? यहाँ तक कंडक्शन करंट ने काम किया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट लेके गया कंडक्शन करंट को आगे। मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना यहाँ पे, पॉजिटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करते और नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ना, तो यही चीज़ें तो हो रही है। एक्चुअल में पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन ही करंट का मेन रीजन है। बस यहाँ पे हमने समझना ये है कि बाहर के सर्किट में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है, और कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आया है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव इंड्यूस होगा और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ कंडक्शन करंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बस हो गया, हो गया समीर? देखो नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेकंड टॉपिक। कुल 6 टॉपिक है बस। मैं ये पूछ रहा था इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर जीरो से ही ना, कहाँ पे? जहाँ पे वो बीच वाला कैपेसिटर था वहाँ पे, हाँ जीरो ही ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होगी? चेंज होगी। देखो मैं बता रही हूँ एक बार, ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, मान लो यहाँ से शुरू शुरू में जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटर क्या होगा, शुरुआत में चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, यही है। अगर वो फुल्ली चार्ज हो गया तब पूरे सर्किट में करंट जीरो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने से आगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने ही नहीं देगा। तो करंट कब एग्जिस्ट करता है? जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो या फिर डिस्चार्ज हो रहा हो, सिर्फ दो ही कंडीशन में। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव बनता जाएगा, ठीक है। दो निकल कर आए, दो पॉजिटिव, यहाँ पे दो नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से मान लो दो बन गई,
ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया क्योंकि टाइम के साथ कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा ना, तो एक और पॉजिटिव एक और नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगी? वो तो थी, आपने वो कराया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाँ वो ऐसा ही है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर हमने कोई कंडक्टिंग स्लैब रख दिया ना, तो उस सिचुएशन में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्यों? क्योंकि वो जो कंडक्टिंग स्लैब होगी, अगर यहाँ पे तीन पॉजिटिव है तो अपनी इस साइड तीन नेगेटिव कर लेगी और इस साइड तीन पॉजिटिव, ठीक है, तो बाहर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी इससे अपोजिट अंदर करके ओवरऑल जीरो कर देगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो स्टार्टिंग में मैंने करवाया था ना, वही दोबारा से चेप दो, एक मिनट डालो। है हाँ, अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है और मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों बनती है। अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड इसकी जगह ओसिलेटिंग चार्ज भी आ जाता है, तो बनेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी टाइम वेरिंग। ठीक है, हाँ दोबारा से लिख दो, तभी तो बोलो पहले वाला चिपका दो एज इट इज। अब जो ये टाइम वेरिंग है ना, एक आता है इनकी इक्वेशंस बताओ, तो जो तुम प्लस वन क्लास में पढ़ चुके हो वेव्स वाला चैप्टर, उसके अंदर तुमने ट्रैवलिंग वेव का नाम सुना था कभी? याद हो तो वो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन याद है? समथिंग समथिंग, तो यहाँ पे मान जो इक्वेशन है, मान लो कि जो ट्रैवलिंग वेव, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इसको भी हम ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं, ट्रैवलिंग वेव ही है ये, स्पेलिंग ठीक है ट्रैवलिंग के? मार्क्स तो नहीं करते फिर भी। ट्रैवलिंग वेव मतलब जो वेव मोशन में होगी, ठीक है, जैसे यहाँ वहाँ पे ना दो तरह की वेव्स होती है, एक होती है ट्रैवलिंग वेव, एक होती है स्टैंडिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव का मतलब क्या होगा? हूँ ट्रैवलिंग वेव का मतलब जैसे गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और स्टैंडिंग वेव जैसे एक गाड़ी उधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही, दोनों में कोलिजन हो जाता है, ठीक है, हाँ तो स्टैंडिंग वेव बनती है। मतलब एक वेव उधर से आई, एक वेव उधर से आई, दोनों के अंदर कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन हुआ, तो वो वहाँ से स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, ठीक है, शॉर्ट में बताया ये। तो जो ट्रैवलिंग वेव है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग है, तो कौन सी इक्वेशन के थ्रू हम बोलेंगे कि ये टाइम वेरिंग है? कौन सी इक्वेशन के थ्रू? E इज इक्वल टू E नोट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। याद आ गया, याद आ गया, सर्कल देखने के बाद तो याद आ ही जाता है ना, k की जगह 2 पाई बाई लैम्डा। धुंधला धुंधला पर अच्छी हट जाती है ना। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, बी नॉट सेम होगी आगे, तो सिर्फ e की जगह b लगा देना है, 2 पाई बाई लैम्डा x माइनस 2 पाई बाई टी इंटू डी। ये t और ये टी अलग अलग हैं, ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा, हाँ 2 पाई बाई लैम्डा, इसकी जगह तुम के भी बोल सकते हो। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ई की जगह बी पुट कर दो बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी है, तो हमने क्या कहा है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। इसमें ये बताया गया है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स एक्सिस में मूव कर रही हैं, ठीक है, हमने कहा कि एक्स एक्सिस के अंदर कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पास ऑप्शन सिर्फ दो ही हैं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में मूव करने का,
ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चूज कर लेती है तो वाई, तो जेड मैग्नेटिक फील्ड को मूव करना पड़ेगा जेड में, मतलब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर पूरी की पूरी वेव एक्स एक्सिस में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो वाई में जाएगी या जेड में जाएगी, अगर वो वाई में गई तो मैग्नेटिक फील्ड को जेड में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक वेव का मतलब यहाँ पे ना एक वो भांगड़ा वाला स्टेप होता है, भांगड़ा नहीं करते हैं, तो एक तरह से इसको याद रख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो एक भांगड़ा वेव है, भांगड़ा स्टेप वाला, ठीक है। उसमें वो ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ठीक है, भांगड़े में ऐसे ऐसे करके करते हो ना तुम लोग, तो ऐसे ही है ना, जैसे भांगड़ा करते करते वो पंजाबी ऐसे मूव करते आगे की तरफ। तो ये वाला कंपोनेंट अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का ले लेते तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दोनों हाथ तो मेरे ही हैं, तो मतलब मैं क्या हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। मैं जिस तरफ जाऊंगी ये वाला हाथ दूसरी तरफ और ये वाला हाथ उससे अपोजिट, समझ गए। मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानो, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए। तो बस यही था। अब इसके अंदर इसकी स्पीड निकालनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कितनी होती है। स्पीड का फॉर्मूला होता है 1/√μ0ε0c। हाँ, ये वाला लिखना है, अपनी वर्डिंग में लिख लेना थोड़ा बहुत कि तो ई है, हाँ एक बी है, तीसरी कौन सी है, तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खुद। लिख लिया, दो हाँ, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको रिप्रेजेंट करते हमेशा सी से, सी, ठीक है, हाँ स्मॉल सी, स्मॉल सी, जिसका फॉर्मूला होता है 1/√μ0ε0। म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है, 4π × 10⁻⁷। थर्ड यूनिट में पढ़ा था ना हमने, एप्सिलन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻½। और जब हम सी की वैल्यू इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट। स्पीड किसकी वेव्स, मेरी तो बता नहीं रही हूँ मैं, सी लिख दिया। तो सी एक VIP नेम होता है जो सिर्फ लाइट के लिए यूज करते हैं। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट मतलब है, यही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वही है जो तुम लाइट लेते हो ना, उसका मेन नाम जो रियल नेम है ना वो स्पीड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, ठीक है। जैसे तुम्हारा नाम एक तो रियल वाला होता है, एक निकनेम होता है, घर पे कुछ भी बोल देते हैं तो वो कुछ भी बोल देने वाला, हमारा नाम है लाइट और रियल नाम है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ एक वेव नहीं होती है, इसके अंदर पूरा का पूरा ग्रुप होता है, स्पेक्ट्रम होता है, कौन कौन सा बाद में स्टडी करेंगे। ऊपर से तो कर दूँ रब, थोड़ा सा तो करेगा बस, स्लो मोशन है ये, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्लस वन क्लास में तुम पढ़ चुके हो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। कर दूर अब तो, देखो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम को लिखती छोटा है, फिर आपने लिखा हुआ है ईएम को लिखती स्मॉल वेव, फिर आपने लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम। अच्छा देखो, ट्रांसवर्स नेचर के अंदर हम ये प्रूव करते हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस में जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ गई, एक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक्स में नहीं जाएंगे,
ठीक है, मतलब ट्रांसवर्स नेचर में हमें ये प्रूव करना है कि वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है, समझ गए? हाँ, प्रूव करना है, प्रूव करना है। हाँ, तो इसमें हम मान के चलेंगे कि लेट अस सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव्स इन एक्स एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती है और साथ में एक हम क्यूबॉइड बना लेंगे, पहले क्यूब बना लेना फिर इसकी एक्सिस ड्रॉ करना, वरना थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस है, हमने माना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस एक्सिस में जा रही है, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पर अगर पूरी की पूरी वेव एक्स एक्सिस में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्स में तो हो नहीं सकते, इनके पास ऑप्शन होगा वाई और जेड में जाने का। हमें प्रूव करना है कि वो सिर्फ वाई और जेड ही उनके पास ऑप्शन है। तो मैथ्स में ये नहीं मान के चलते, उल्टा मान लो, पहले गलत मान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में मूव कर रही है, बाद में गलत साबित कर देंगे कि देखो ये गलत रिजल्ट आ गया, इसका मतलब हमने गलत एज्यूम किया था। मतलब एक गलत एजम्पशन से स्टार्ट करते हैं और फिर अपना रिजल्ट लेकर आते हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस क्यूब के इस सरफेस से एंटर करती है और दूसरे इस सरफेस से एग्जिस्ट कर जाती है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है? E2। E1 एंटर कर गई, E2 निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो तुम्हें मान के चलना है कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है क्यूब के अंदर, इस क्यूब में कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज प्रेजेंट इन क्यूब, नो चार्ज प्रेजेंट मतलब अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी है? जीरो। क्यूब के अंदर चार्ज की वैल्यू है जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम, क्या थ्योरम थी गॉस थ्योरम? ई डॉट, बताना, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाँ जो ये नो चार्ज प्रेजेंट है, सेकंड अजम्पशन है, हाँ फर्स्ट पहली वाली की मान लेते हैं, अज्यूम किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में ही मूव कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक्स में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स में है। दूसरी अजम्पशन, दो अजम्पशन किया अभी तक। अब देखो, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम बोल रहे हैं कि इस क्यूब में कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब चार्ज नहीं है, इसकी जगह जीरो पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? जीरो। तो क्यूब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जीरो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ आया है? क्यूब के अंदर। ठीक है, ठीक है, ये तो गॉस थ्योरम बोल रही है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर तुम्हें गॉस थ्योरम ना पता हो और मैं सिंपली तुम्हें बोल दूं कि ये डायग्राम तुम्हारे पास दिया गया है, एक जगह से E1 एंटर कर रहा और दूसरी जगह से E2 निकल गया, तो बीच में कितना बचा हुआ है? E1 माइनस E2, यही बोलेंगे ना हम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर या अकॉर्डिंग टू डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? नेट E1 माइनस E2। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक थ्योरम बोल रही है कि इसके अंदर जीरो है और हम बोल रहे हैं E1 माइनस E2 है। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों ही इक्वल हो। तो मतलब इक्वेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? E1 माइनस E2 किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो। हमने कहा बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 माइनस E2, गॉस थ्योरम बोल रही है बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, तो मतलब हमने जो माननी है ना E1 माइनस E2 वो जीरो के इक्वल ही है, तभी पॉसिबल है ना। यहाँ से अब मुझे ये बताओ कि ये जो रिजल्ट है जीरो कब कब आ सकता है, ये इक्वेशन जीरो कब होगी?
इक्वल हो, पहला ऑप्शन तो ये होगा जब ये दोनों इक्वल हो, E1 माइनस E2 दोनों आपस में कैंसिल आउट, जीरो. इसके अलावा एक ऑप्शन और होगा जब इन दोनों का रिजल्ट जीरो आएगा. क्या ऑप्शन हो सकता है सोचो, दोनों को ही इंडिविजुअली जीरो मान ले. अच्छा हाँ ठीक है, सही बात है. इवन को भी जीरो मान ले और तो यही तो ना, क्योंकि हमने कहा इवन माइनस ई टू है, गॉस थ्योरम बोल रही नहीं जीरो, तो मतलब ये रिजल्ट जीरो के इक्वल होगा. और इसकी सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी बनती, कितना ही घुमा फिरा के सोच लो कि या तो ये दोनों इक्वल है या दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये दोनों ही जीरो हैं. ठीक है, तो अगर हम ये वाला केस मान के चलते हैं तो क्या कंक्लूजन निकलेगा पूरे टॉपिक का? खत्म हो गया बस टॉपिक ये. अगर ये दोनों इक्वल हैं आपस में तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम है. तो एक तरह से हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, स्टेटिक है. और क्या स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकती है? नहीं. तो ये वाला जो केस है ना, ये तो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही नहीं है, लेकिन ये तो गलत है. हमने तो मानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है. हाँ, तो मतलब ये वाला केस तो एग्जिस्ट करेगा नहीं कि ई1 और ई2 हमेशा इक्वल रहे. तो दूसरी पॉसिबिलिटी बच के आ गई कि इन दोनों की वैल्यू जीरो हो. ठीक है, अगर E1 और E2 दोनों ही जीरो हैं, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन एक्स एक्सिस. नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली इन वाई एंड जेड एक्सिस, आइदर वाई और जेड, आइदर वाई और जेड, सिर्फ वाई और जेड में एग्जिस्ट कर सकती है. चिपका लो जल्दी. चिपका लिया. तो देखो, हाँ देखो, इस पूरे टॉपिक में पता है हमने क्या मानना है, दोबारा से एक बार ध्यान से समझना. हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स में गई, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या तो वो वाई में जाएगी या फिर वो जेड में जाएगी, एक्स में कभी भी नहीं जाएगी. तो गलत मान के चलो, मान लो वो एक्स में ही जा रही है. हमने कहा कि वो ई1 एक्स में एंटर कर गई और ई2 एग्जिट कर गई. ठीक है, तो गॉस थ्योरम बोलती है कि अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी. तो इसका मतलब ई1 माइनस ई2 जो बॉक्स की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, ये केस तभी पॉसिबल है या तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाए. अगर इक्वल हो गई मतलब टाइम वेरी कर रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, वो तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और उसकी वजह से कभी भी वेव नहीं बनती है. वेव का मतलब ही क्या है, मोशन, कि कोई भी चीज़ है वो मोशन में है. ट्रैवलिंग वेव ली है ना हमने, तो मतलब ये तो बोल दिया कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ही नहीं, लेकिन हम तो दिखा रहे हैं कि ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है. तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन रह गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड या इस तरफ है या इस तरफ है. ठीक है, तो यही हमने प्रूव कर दिया कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यही होता है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स में गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड या वाई में जाएगी या फिर जेड में जाएगी. ठीक है, सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रूव कर सकते हैं. तुम लिख दोगे थ्योरी में नीचे, सिमिलरली वी कैन शो, लिखो सिमिलरली वी कैन शो दैट मैग्नेटिक फील्ड, सिमिलरली वी कैन शो दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो मूव्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल्सो मूव्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्लियर, तीन टॉपिक क्लियर हो गए आज हमारे. नेक्स्ट है फोर्थ. इसमें हमें जरूरी है कि कन्वेंशनल करंट लेना, कौन सा वाले में? नेक्स्ट देखो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव.
ओके, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखो यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक वेव तो है ही, तो उसका मतलब उस पूरी की पूरी वेव की एनर्जी भी होगी। अब उस वेव के अंदर दो ही तो लोग हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। तो वेव की एनर्जी का मतलब उन दोनों की एनर्जी ही होगा ना इनडायरेक्टली, कि एक इसकी एनर्जी है और एक इसकी एनर्जी है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि क्या वो दोनों इक्वली एनर्जी देते हैं, या फिर इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा एनर्जी देता है मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में। समझ आया? मतलब मान लो ये हम एक ग्रुप बना रहे हैं और इसके अंदर तुम्हें 100 रुपीज़ इकट्ठा करने हैं। दो स्टूडेंट है, एक गर्ल हो गई एक बॉय होगा, तो यहाँ पे देखो क्या वो दोनों 50-50 रुपीज़ देंगे या फिर एक 80 रुपीज़ और एक 20 रुपीज़ देगा। 50-50 क्या कंपलसरी है कि 50-50 देंगे? डिपेंड करता है ना। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी है कि हमें नहीं पता कि तुम्हें अभी तक नहीं पता क्या वो इक्वल देते हैं या कम ज़्यादा देते हैं, ठीक है? यही चीज़ हम देखने वाले हैं, समझ गए? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी का मतलब फील करना है, कि रियलिटी में तो पता चल ही गया होगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, दोनों की एनर्जी के जोड़ को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी Density of electric field, ठीक है? अब जो energy density है उसको represent किससे करते हो? Mu E से। Energy density क्या होता है? Total energy divide by volume, total energy। अब electric field जो हमने experiment किया था Maxwell वाला, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आई थी? कैपेसिटर के बीच में। तो ये जो एनर्जी होगी वो कहाँ से आएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी कैपेसिटर के बीच में, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? हाफ सी वी स्क्वायर। तुम बोर हो गए है ना? नहीं, थक गए हो पढ़ते पढ़ते। तो देखो हमने डिवाइड में क्या कर दिया, वी वॉल्यूम, नहीं काट सकते। क्यों? ये वाला तो है वॉल्यूम और ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? इसको वीडस मान लो सबसे। हाँ ज्यादा बताना सी की वैल्यू कितनी होगी, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है बताओ जल्दी। 3×10⁸ सी की वैल्यू, सी स्पीड ऑफ लाइट नहीं, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर मत करो। सी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर की टोटल एनर्जी कितनी होती है? हाफ सी वी स्क्वायर, याद है या फॉर्मूला? हाँ, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी होती है? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एप्सिलन नॉट ए डिवाइड बाई डी। क्लियर कर देते हो पीछे वाला? बिल्कुल। तो कैपेसिटर का ही टेस्ट दे दो, कब दोगे बताओ? कैपेसिटर का टेस्ट दे दो भाई जल्दी से भी। और क्या, फर्स्ट यूनिट का कैपेसिटर वाला ही तो रहता है, तो उसका टेस्ट होगा कब दोगे तुम? वीरवार को, कैपेसिटर की थ्योरी का। पेपरों के बाद नहीं, पेपरों से पहले होता है टेस्ट, ठीक है? वीरवार को या बुधवार को, दो में से एक ऑप्शन है, वीरवार या बुधवार? बुधवार देख लो, शुक्रवार, वो शनिवार को ले लो। नहीं, शनिवार को जाएंगे मैम, शनिवार को जाएंगे, पता नहीं। चलो सैटरडे को दे दोगे विद न्यूमेरिकल, कैपेसिटर का विद न्यूमेरिकल सैटरडे को? अगर वेडनेसडे या थर्सडे को दोगे तो सिर्फ थ्योरी का, थर्सडे को थ्योरी का टेस्ट अभी। हाँ तो देखो जो सी क्या है, कैपेसिटेंस है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। वी क्या है?
पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस. कहाँ से आते हैं फॉर्मूला याद है? ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर. यहाँ से ठीक है. डिवाइड में नीचे क्या है? वी डैश फॉर वॉल्यूम. वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस. ठीक है, एरिया इंटू डिस्टेंस. हाँ, अब ये काट सकते हो, इसमें सॉल्व कर दो. एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए डी. ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो. ए से ए, डी से डी, और एक ये वाला डी भी तो था नीचे, तो इसके डी स्क्वायर से डी स्क्वायर पूरा ही कैंसिल. कौन सा टर्म निकाली किया हुआ? हाँ, ये कैपेसिटर वाले ही का ही है जो तुम्हें धुंधला धुंधला याद आ रहे हैं. वहाँ पे हमने कंप्लीट एनर्जी डेंसिटी का टॉपिक नहीं किया हुआ है, तभी तो बोलो ना उसका टेस्ट दे दो. एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर याद आया अब ये फॉर्मूला? जब भी तो कह रही हो कि ये हाँ हुआ है. तो ये तुमने डेरिवेशन भी किया हुआ है. हाँ, जब भी तो कह रही हो कि करा करा याद. ठीक है, तो ये एनर्जी डेंसिटी निकल गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी एनर्जी डेंसिटी दे रही है. ठीक है, बट यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी वैल्यू पुट करना. इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या आई थी हमारी? ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था? स्क्वायर. तो यहाँ पे ना ये चीज देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो टाइम और डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, तो इसका मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन है एनर्जी डेंसिटी में वो भी चेंज हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है. तो हमें एवरेज लेना है इसके अंदर. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, हमें ओवरऑल देखना है कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना कंट्रीब्यूट किया. तो उसके लिए हम इसका क्या ले लेंगे? एवरेज ले लेंगे. पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी भी एनर्जी उसका एवरेज कर दो. एवरेज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट. ये तो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट का तो एवरेज वही रहता है. ई नॉट भी कॉन्स्टेंट, इसको भी बाहर ले लो. E नोट का स्केयर बाहर आ जाएगा, तो एवरेज किसका निकलेगा? सिर्फ साइन स्केयर के एक्स माइनस ओमेगा टी का एवरेज निकलेगा इस टर्म का. ठीक है, इस टर्म का एवरेज निकलता है. और जब तुम इस टर्म का एवरेज लेते हो तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 1/2. जब इस पूरे टर्म का साइन स्केयर का एवरेज लेंगे तो 1/2 आंसर आता है. मैथ्स के अंदर हम पढ़ते हैं साइन स्केयर का एवरेज और कोस स्केयर का एवरेज, दोनों का ही कितना होता है? 1/2. तो यहाँ पे साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर होता है. हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 1/2. तो ओवरऑल कितना बन गया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्केयर. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने कितनी एवरेज दी है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी निकल गई? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर. मैम ये अपने फोर्स किसको माना फिर? ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसका एवरेज 1/2 होता है मैथ्स के अंदर. अच्छा, इसका हाँ तुम याद रख लो इसको, 1/2 साइन स्क्वायर वाली टर्म का. ये बायो वाले बच्चे इसको भी नहीं पता था. कर दो रवि, ठीक है आगे लिख दो. आगे डेरिवेशन ही इतना बड़ा, तो आगे था ही मल्टीप्लाई में 1/2 से यहाँ कर दिया. अब इतना बड़ा डेरिवेशन तुम्हें एग्जाम में करके दिखाने की नीड नहीं होती है. वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे एग्जाम में कैसे आता है. अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन दे देता ना ये पूरे टॉपिक में, तो तुम्हें ये डेरिवेशन करके नहीं दिखाना है. तुम डायरेक्ट लिखो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ से शुरू करो. हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, E की वैल्यू पुट करके बस ये निकालना है लास्ट वाला रिजल्ट. ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का. तो लिख लो सिमिलरली एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड. एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी?
हाँ अच्छा उसमें निकालेंगे हाँ देखो हाँ उसमें है तो ये हाँ है ना. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करती है और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का निकाल लें तो इतनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगी. मैं तुम्हें फोटो सेंड कर दूंगी, वहाँ से तुम इसका डेरिवेशन सीख सकते हो अगर करना चाहो तो. कंपल्सरी नहीं है बाकी. आपने यूट्यूब पर क्या लगाया एवरेज डेरिवेशन है वो कैसे आया नहीं नहीं ठीक है. तो अब यहाँ से देखो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ये किसका सिंबल है एवरेज का. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी डेंसिटी को. ठीक है या तो तुम यहाँ पे एवरेज लगा दो अगर तुम्हें बार नहीं लगाना है, और अगर बार लगा दिया तो एवरेज लिखने की जरूरत नहीं. किसके इक्वल होगा यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बन गया ना. देखो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी किसके इक्वल आई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है अब यहाँ से देखो कितनी निकलेगी वैल्यू पुट कर दो इसकी जगह तो हाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ई नॉट का स्क्वायर और इसकी जगह 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर. ये आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल एनर्जी डेंसिटी. अब ये मत बोलना इस पे न्यूमेरिकल्स है. हाँ न्यूमेरिकल आएंगे बिल्कुल आएंगे इस पे न्यूमेरिकल्स. अभी तो इस टॉपिक में थोड़ा सा और रहता है जो एग्जाम में आता है. अभी बताऊंगी अभी बताऊंगी. ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया. मतलब हमने ये तो देख लिया कि ये इतनी इतनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल एनर्जी इतनी बना देते हैं. अभी हमें ये देखना कि इन दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है या फिर ये इक्वल है. ठीक है तो देखो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं म्यू ई बार से. मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करते हैं जो कि कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर. ठीक है हमें यहाँ पे ना ये प्रूव करना है कि ई बार इज इक्वल टू बी बार. क्या एनर्जी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रही है क्या उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड कर रही है. मतलब क्या ये इक्वल हैं हमें प्रूव करना है. ठीक है प्रूव करने के लिए देखो किसके इक्वल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी इतनी. ठीक है अब एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बैंगन चोर फॉर्मूला बोलते हैं. बैंगन चोर ये सच्ची में मत सोच लेना कहीं फिजिक्स में टर्म ढूंढने लग जाओ बैंगन चोर फॉर्मूला कौन सा होता है. ये ट्रिक है वैसे याद करने की. E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड B फॉर मैग्नेटिक फील्ड C फॉर स्पीड ऑफ लाइट. C फॉर स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है बैंगन ही चुरानी है यहाँ पे तो भी हमें. ई इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे ये बनता है बैंगन चोर बी से बैंगन सी से चोर. समझ गई मैं. ठीक है तो मतलब ई में बी में और सी में ये रिलेशन होता है. यहाँ पे ना बच्चे गड़बड़ कर देते हैं एक्चुअली. बी को लिख देते हैं ई सी इसलिए मैंने ये बैंगन चोर फॉर्मूला बना दिया. बैंक चोर यहाँ पे बैंगन चोर. ठीक है अब यहाँ पे ना ई की जगह वैल्यू पुट कर दो. ई की जगह क्या पुट करेंगे बी सी ई नोट है तो बी नोट सी और पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं ना. हाँ ई नोट की जगह हमने ये पुट कर दिया बैंगन चोर कॉन्सेप्ट से बी सी. ई नोट होता है कॉन्स्टेंट. मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस तरह से वेरी करती है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये ऐसे बनती है इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ
के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये तुम प्लस वन में पढ़ के आ चुके हो तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. ये जो ई नोट है ना, ये इसके ये मैक्सिमम वैल्यू होते हैं, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, यहाँ तक मैक्सिमम इतनी ही बढ़ेगी. तो ई नोट होती है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कॉन्स्टेंट होती है. और ठीक है, तो ये ई नोट मैंने इसलिए लगा दिया है. चलो देखो, ई नोट बी नोट स्क्वायर और यहाँ से क्या बन गया सी स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ गया 1/4 एप्सिलॉन नोट बी नोट का स्क्वायर. सी की जगह तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा था 1/√ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था अभी? तो सी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सी स्क्वायर. हाँ, सी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो म्यू ई बार किसके इक्वल आ गया रिजल्ट बी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 4μ0. स्क्वायर हो गया ना, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल. ठीक है, हो गया. लेकिन ये वाली वैल्यू तो किसके लिए होती है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए. हाँ, तो मतलब ये क्या आ गई आपस में इक्वल, तो ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं. समझ में आ गया? ठीक है, आ गया नहीं आया? बस अभी ब्रेक ले लो. ये इनका लंच ब्रेक देखो. चलो देखो, स्टार्ट करो. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, तो जो ये इंटेंसिटी होती है ये क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये फॉर्मूला होता है. इसको डिफाइन खुद कर सकते हो. इंटेंसिटी इट इज डिफाइंड एज एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. सिंपल डेफिनेशन है, वरना तो लिखो इसके डेफिनेशन एग्जैक्ट. द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पर यूनिट टाइम इन अ डायरेक्शन इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव. ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी को दिखाएंगे हम आई से, एनर्जी को दिखाते हैं यहाँ पे यू से, एरिया को ए से और टाइम को टी से, और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इंटेंसिटी के. तो यहाँ पे सबसे पहले हम एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एरिया और टाइम तो हमारे पास होगा ही, तो एनर्जी निकालना. तो इसके लिए सबसे पहले मान लो यहाँ पे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर रही है विद स्पीड c, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. ये यहाँ पे जो तुम्हें सिलेंडर दिख रहा है ये एक्चुअल में कोई सिलेंडर नहीं है, ये ना जैसे एक बंच हो जाता है, ग्रुप बन जाता है ना, वो कैसी शेप ले लेता है? एक सिलेंड्रिकल शेप ले लेता है, ये वही वाली है. मान लेते हैं कि जो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये वेव जाती है इस टाइम पीरियड के अंदर हम ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो इसलिए ये बीच में सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये हैं इनकी स्पीड कितनी होती है? सी. ठीक है, सी स्पीड के साथ ये टी टाइम तक ट्रैवल करती है. दैट मीन्स जो ये सिलेंडर बना है इसकी लेंथ कितनी होगी? स्पीड इंटू टाइम. तो ये लेंथ ऑफ सिलेंडर निकाल दिया, सिलेंडर की लेंथ हमने मान ली एल, जो किसके इक्वल होगी? स्पीड इंटू टाइम सी इंटू टी. ठीक है, अब देखो एनर्जी इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जो ये सिलेंडर हमने लिया है ना, इस सिलेंडर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैद हुई है, मतलब जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई हैं
उनकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो लिखो टोटल एनर्जी फील्ड, ये लेंथ है ना, हाँ जी, फील्ड इनसाइड द सिलेंडर इज कितनी होगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यू एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वी, यही होगा ना। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर वॉल्यूम वी। तो यहाँ से वॉल्यूम की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एरिया इनटू डिस्टेंस। लेंथ कितनी है इसकी, एल से डिनोट किया तो एल से लिख दो, एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, अब इक्वेशन वन में पुट करो बाय यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। 1/2 ऊपर आ गया, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर ए एल, ए से ए कैंसल। लेंथ की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते ऊपर से, सी टी, टी से टी कैंसल। तो आई के वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और सी। इंटेंसिटी किसके इक्वल आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, क्या है प्लस वन का, हाँ सी टी प्लस वन में आता है, याद तो आ गया। ये था, सी टी कैसे होगा, लेंथ की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सी टी। ये रहा, हो गया क्लियर। इसकी जगह अब देखो, इसको हम एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू, ये क्या होता है एनर्जी डेंसिटी म्यू ई, तो इसको हम म्यू ई सी भी लिख सकते हैं। तो इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला, तो यूं करके वाला तो एप्सिलॉन नॉट है, हाँ अरे ये यूं घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लड़ेगा, तो ये जिसका स्क्वायर है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ वो तो बताइए। चलो देखो, यहाँ पे ये जो एनर्जी डेंसिटी है ना, तुम इसको ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज एनर्जी है। इसको क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज एनर्जी, एवरेज यही आई थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड को जब ऐड करोगे तो 1/2 वाली टर्म ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि यहाँ पे ये आ गई, रब कर दो, एक टॉपिक हुआ नहीं इसमें, साथ में इसी टॉपिक में दो टर्म्स और निकालनी है, जैसे हमने इंटेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पावर एंड इंटेंसिटी। ठीक है, हाँ इसी मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक आएंगे अभी, इंटेंसिटी और पावर में रिलेशन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी डिवाइड बाई एरिया इंटू टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या, किसका फॉर्मूला होता है, पावर का, तो लिख दो पावर डिवाइड बाई एरिया। किसका फॉर्मूला आ गया, ये इंटेंसिटी और पावर के बीच में रिलेशन आ गया। क्लियर, नेक्स्ट निकल गया ना, नेक्स्ट है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम लिखते कि जो ये ना शायद डी ब्रोगली वेव होती है, प्लस उन्हें पढ़ा हुआ तुमने, डी ब्रोगली में नाम सुना, हाँ डी ब्रोगली, हाँ वेव इक्वेशन, वहां पे क्या बोलती है वो इक्वेशन, कि
जैसे मैं हूँ, मैं एक पार्टिकल हूँ ना, अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से भागूंगी तो मैं एक वेव बन जाऊंगी, ठीक है। एक्चुअल में वेव कब बनूंगी, अगर स्पीड ऑफ लाइट से भागूंगी, लेकिन रियलिटी ये है कि हम अभी तक ऐसी इतनी हाई स्पीड पे बना ही नहीं सकते कुछ भी, कुछ भी ऐसा नहीं बना सकते जो इतनी हाई स्पीड से। हाँ थ्योरेटिकली नेक्स्ट आने वाले पता नहीं कितने हजारों सालों बाद या 100, 500, 1000 साल बाद जब भी होगा, मे भी ऐसा पॉसिबल हो कोई ट्रेन बन जाए जो इतनी स्पीड से चले। बट बोला ये जाता है कि अगर कोई चीज़ हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दे जो इतनी हाई स्पीड से ट्रैवल करे, तो उस टाइम पे पॉसिबल होगा कि हम अपने पास्ट में जा पाएं और फ्यूचर में जा पाएं। तब तक तुम्हारे पता नहीं कितने जन्म होंगे। एक और बस, ठीक है। हाँ तो ठीक है, मेरी बात सुना। यहाँ पे इसमें ये बताया गया कि जैसे तुम अगर आंख बंद करके अगर खड़े हो गए और तुम्हारे साइड से कोई व्हीकल चला गया, डिस्टेंस से थोड़ा व्हीकल जाता, तुम फील कर जाओगे ना कि कुछ तो निकल के गया। कैसे? हवा के थ्रू, मतलब वहाँ पे एक वेव जुड़ी होती है। तो हाँ, आवाज मान लो साइलेंट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम ये बोलता है, डी ब्रोगी साइंटिस्ट है, वो ये बोल रहा है अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है बहुत ही हाई स्पीड से, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, उस वेव का नाम होता है डी ब्रोगी वेव, ठीक है। और जो वह वेव बन गई, दैट मीन्स उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी। तो यहाँ पे वो वेवलेंथ है, लिखो वेवलेंथ ऑफ, नहीं सिंपल लिखो, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एच डिवाइड बाय लैम्डा, ब्रैकेट में लिख सकते हो यूजिंग डी ब्रोगी कॉन्सेप्ट। ये हमारे इंडिया वाले ना इतने ग्रेट लोग होते हैं, मेरे जैसे, मेरी प्रोनंसिएशन बड़ी ख़राब होती ना, बल्लभ को मैं बल्ब नहीं बोलती, बल्लभ बोलती हूँ। तो इसको तुम क्या पढ़ोगे? डी ब्रोगली, हाँ डी ब्रोगलाई पढ़ोगे, वरना डी ब्रोगली पढ़ लोगे, लेकिन ये डी ब्रोगी है, एल साइलेंट है इसमें, ठीक है। रियल में साइंटिस्ट का नाम ना डी ब्रोगी था, जिसको हमने बिगाड़ बिगाड़ के ब्रोगलाई और ब्रोगली बना दी है, ठीक है। नामों में भी साइलेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो डी ब्रोगी था उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो अब देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ई का फॉर्मूला होता है एच न्यू, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा, एच डिवाइड बाई लैम्डा किसके इक्वल है ऊपर से, मोमेंटम पी, छोटा पी लिख लो, पावर से दिखाता है ना हमने, छोटा पी सी, एच वी न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी, एच न्यू, हाँ मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से एनर्जी में और मोमेंटम में कितना रिलेशन आ गया, पी सी, ठीक है। तो हमें बताना था मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मोमेंटम का फॉर्मूला कितना आ गया, एनर्जी डिवाइड बाई, तो डायरेक्ट मोमेंट बनानी था, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंशन कर दिया ना हमने पी मोमेंटम है, ठीक है। तो एनर्जी को वैसे हम यहाँ पे यू से दिखाते हैं, तो तुम लोग इसको यू से रिप्लेस कर सकते हो, पूरी यूनिट में एनर्जी को हमने यू से रिप्रेजेंट किया है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया यू बाई सी, क्लियर, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये जो मोमेंटम है ना, ये तब है, मान लो कि ये सरफेस है कोई भी, ठीक है, अगर हम लाइट को इसके ऊपर फॉल कर दें, लाइट मतलब जो फोटोन है, लाइट किसकी फॉर्म में होती है, फोटोन के फॉर्म में, अगर इन फोटोन्स को हम किसी सरफेस पे फॉल करवा रहे हैं, वो सरफेस इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ पे कितना मोमेंटम ट्रांसफर होता है, उस फोटोन की एनर्जी डिवाइड बाय उस फोटोन की स्पीड, ठीक है, ऐसे होता है। बट अगर ऐसा हो, जैसे तुमने रामायण देखी है, वहाँ पे वो जो समुद्र के अंदर वो जो राक्षसी होती है, वहाँ पे हनुमान उसके मुंह में जाके वापस आ जाता है, अगर इसी तरह ये वाला फोटोन भी ऐसे जाके और टकरा के वापस आ जाए, हाँ ये हनुमान जी है, मतलब फिर तो ये फोटोन, फोटोन नहीं है, क्या है, हनुमान जी, तो उस टाइम पे इसका मोमेंटम कितना होगा, टू यू बाई सी। जरा
टू यू बाई सी हो जाएगा. क्यों हुआ बताओ, क्यों हुआ ये टू यू बाई सी? क्योंकि जब एक बार गया ना, इसका मोमेंटम था पी बाई सी, वापिस आया तो माइनस पी बाई सी, डायरेक्शन चेंज हो गई ना. और मोमेंटम क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी. पी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है ना. तो डायरेक्शन चेंज तो माइनस पी बाई सी. चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? दोनों को माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये माइनस भी प्लस का टोटल बन गया. पी इज इक्वल टू टू यू वाई सी. इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं. ध्यान से देखना कि अगर किसी फोटोन को कोई सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो फोटोन उस सरफेस को कितना मोमेंटम दे रहा है? कितना मोमेंटम दे रहा है? यू बाई सी. और अगर वो दोबारा से रिफ्लेक्ट कर देता है तो उस टाइम पे कितना मोमेंटम चेंज आएगा? टू यू बाई सी. क्लियर? जितना दिया बस ये हर्ट्स वाला थोड़ा सा बड़ा है. थ्योरी है इसमें भी बस. ठीक है, हाँ लिखो. हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट. दिल का एक्सपेरिमेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी का एक्सपेरिमेंट है. हर्ट नहीं है, हर्ट्ज. हर्ट्ज साउंड की होती है. हाँ, साउंड की फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है. जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है ना, हर्ट्ज. ये साइंटिस्ट है हर्ट्ज. ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट दिया था. मतलब बेसिकली ना, इस टॉपिक में पता है हम क्या स्टडी करने वाले हैं? पहले तुम्हें ध्यान होगा कि वो लैंडलाइन फोन्स होते थे, वहाँ पे तो एक लॉजिक बनता था बहुत ही अच्छा सा, कि जो वायर्स है वो हमारे फ़ोन से कनेक्टेड होती थी और वो जहाँ पे भी हमें बात करनी होती थी ना, वहाँ तक वो वायर्स के थ्रू आवाज़ चली जाती थी. लेकिन आज के टाइम पे वायरलेस फ़ोन आ गए हैं, तो वो वायरलेस कम्युनिकेशन का बेसिक यहाँ से समझोगे कि किस तरह से मोबाइल में ऐसा क्या होता है कि हम बोलते हैं और वो सामने वाले तक पहुँच जाता है जबकि बीच में तो कोई वायर नहीं है. तो ये आइडिया आया कहाँ से, ये हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे. ठीक है, जियो. देखो, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने बोला है कि जो ये सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थ्योरेटिकली प्रेडिक्शन दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थ्योरेटिकली किसी ने प्रेडिक्ट किया था, वो था मैक्सवेल. मैक्सवेल 1831 के अंदर पैदा हुआ था. 1865 के अंदर इसने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था. तो 1865 के अंदर इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को थ्योरेटिकली बता दिया था. ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हर्ट्ज ने. हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया. मतलब साइंटिस्टों का ना ग्रुप होता है बेसिकली. कुछ जो हाई फाई होते हैं ना लोग, जैसे आइंस्टीन हो गया, निकोला टेस्ला हो गए, गैलीलियो गैलाई हो गए, ये तो वो साइंटिस्ट हो गए जो अपनी थ्योरी भी लिख सकते हैं और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं क्योंकि ओवर में इंटेलिजेंट है. लेकिन जनरली जैसे पीएचडी वगैरह करते हैं ना, उसके बाद रिसर्चर्स होते हैं, तो उनके दो ग्रुप बनते हैं. एक तो जो सिर्फ थ्योरी पे काम करते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे, दूसरा जो उनकी थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि कोई थ्योरेटिकली अपनी कोई थ्योरी दे देगा, फिर उसके ऊपर सब एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे क्या वो थ्योरी सही है. सही है तो वो थ्योरी वेरीफाइड, नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. थ्योरी भी तो उसने करके, हाँ कुछ करके दी होगी ना, तो तभी तो यहाँ पे आती है ये चीज़ें. देखो बस थोड़ा सा कम बोलो. तो यहाँ पे देखो, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी है वो किसने दी थी? मैक्सवेल ने दी थी. ठीक है, फिर हर्ट्ज ने इस थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और वायरलेस कम्युनिकेशन दी. तो इसके लिए उसने क्या किया, यहाँ पे दो प्लेट लिए, कैपेसिटर की प्लेट होती है ना जैसे, उसी तरह से दो प्लेट्स को इसने ऐसे रख दिया, ऊपर नीचे, एक ऊपर एक इसके नीचे, और इन दो प्लेट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? 60 सेंटीमीटर. दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 60. ऐसे ऊपर नीचे एक कॉम्बिनेशन बन गया ना, ये भी एक कैपेसिटर का इस तरह से. अब दोनों प्लेट्स को इसने, ये जो प्लेट्स है ये बनी हुई है कॉपर या फिर जिंक की, कॉपर या फिर जिंक के. ठीक है, फिर इन दोनों प्लेट्स को हम कनेक्ट करेंगे विद कॉपर वायर्स. कॉपर वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया. यहाँ पे ये हमने कंडक्टिंग स्फीयर लगा दिए हैं, मेटालिक कंडक्टिंग स्फीयर, और इनके बीच में हल्का सा गैप छोड़ दिया, और ये वाला गैप है इंडक्शन कॉइल का.
मतलब वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए बैटरी की जगह हमने इंडक्शन कॉइल यूज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में बैटरी की जगह क्या यूज किया है, इंडक्शन कॉइल, ठीक है। और ये मेटालिक स्फीयर है, यहां पर हम एक डिटेक्टर रख देंगे। ये क्या होगा यहां पे, डिटेक्टर। हाँ, डिटेक्टर, ठीक है। बना लिए डायग्राम? स्फीयर, मेटालिक स्फीयर S1 और S2। S1 और S2 दो मेटालिक स्फीयर है जिनके बीच में बहुत ही कम गैप है। लिख लिया? ये लग लग गया। क्या? इंडक्शन कोइल और S1 और S2। हाँ जी, ये यहाँ पे कहीं इंडक्शन कोइल लगाई हुई है, यहाँ पे हमने लगाई नहीं है, बस बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमने गैप छोड़ा हुआ, बिल्कुल खाली, जैसे मेरी फिंगर्स के बीच में गैप है ना, ऐसे गैप खाली, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसकी वर्किंग पढ़ते हैं। वर्किंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंडक्शन कोइल के थ्रू बहुत ही ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। इंडक्शन कोइल की हेल्प से हम बहुत ही ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देते, या तो बोल दो कॉपर प्लेट्स को, ठीक है, या फिर मेटालिक स्फीयर को बोल दो। क्योंकि अगर कॉपर प्लेट को भी देंगे ना, तो वो डिस्चार्ज तो इन स्फीयर के अक्रॉस ही होगा ना, समझ में आई? हम क्या कर रहे हैं, जो इंडक्शन कोइल है उसकी हेल्प से बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे। तो कोइल का काम क्या होगा, इट प्रोवाइड्स हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू मेटालिक स्फीयर S1 एंड S2, या फिर प्लेट्स बोल दो, इनको नाम दे दो AB, टू AB मेटालिक प्लेट्स। लिखो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन कोइल वी प्रोवाइड हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू द मेटालिक स्फीयर S1 एंड S2, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ, क्या बोला, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू S1 एंड S2 विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन कोइल, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब एक पे तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, और उनके बीच में हल्का सा गैप है, और उस गैप में क्या है, एयर है। तो इसका मतलब वो एयर क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, हो गई ना आयोनाइज। हाँ, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मतलब ये जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस से हमने इन दोनों प्लेट्स को चार्ज कर दिया था, तो वो डिस्चार्ज होंगी स्फीयर के थ्रू एयर को आयोनाइज करके। मतलब वो अपना सारा चार्ज कहाँ पे दे रही है, एयर में दे रही है, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर, एयर बिटवीन द स्फीयर गेट्स आयोनाइज्ड, एयर बिटवीन द स्फीयर गेट्स आयोनाइज्ड। यहाँ पे जो एयर होगी वो आयोनाइज हो जाएगी, एंड प्रोवाइड ए पाथ फॉर द डिस्चार्ज ऑफ स्फीयर, फॉर द डिस्चार्ज ऑफ स्फीयर, या फिर प्लेट, ब्रैकेट में लगा लो प्लेट, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे एयर आयोनाइज होगी, तो एयर में स्पार्क सी नहीं बन जाएगी, स्पार्क होगी, मतलब वहाँ पे चमक सी आएगी, ठीक है। तो उसको लिखो, ड्यू टू दिस लार्ज नंबर ऑफ टिनी स्पार्क्स, आर प्रोड्यूस्ड, टीनी स्पार्क्स आर प्रोड्यूस अक्रॉस द गैप बिटवीन S1 एंड S2। दीज स्पार्क्स आर लाइक चेन ऑफ टीनी वेव्स,
चेन ऑफ टीनी वेव्स, जो वो स्पार्क्स दिखेंगे ना तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा, देखो सामने एक बार, ये ऐसे छोटी छोटी वेव्स हैं, वेव्स, क्योंकि जो स्पार्क्स है वो भी एक तरह की एनर्जी है और वेव भी क्या आती है, एक तरह की एनर्जी है, तो मतलब वो जितनी भी स्पार्क्स होंगी हमें लगेगा कि वो टीनी वेव्स की चेन बन रही है, फिर स्पार्क्स फिर स्पार्क्स फिर स्पार्क्स, मतलब छोटी वेव छोटी वेव छोटी वेव, इस तरह से हमारे पास टीनी वेव्स बन जाती हैं, ठीक है। और इन वेव्स को डिटेक्ट कौन कर लेता है, डिटेक्टर, ठीक है। आगे लिखो, डिटेक्टर डिटेक्ट दीज वेव्स, एंड दीज टीनी वेव्स आर नेम्ड एज, दीज टीनी वेव्स आर नेम्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज टीनी वेव्स आर नेम्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, समझ गए, एक बार दोबारा बता दूं, देखो सामने देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये दो प्लेट हैं, दो प्लेट को हम इस तरह से वायर के थ्रू जोड़ देंगे बीच में, मतलब यहाँ पे एक मेटालिक स्फीयर लगा दिया, थोड़ा सा गैप होगा। अब इन प्लेट्स को चार्ज करने के लिए हमने इंडक्शन कॉइल लगा दी है, इंडक्शन कॉइल के थ्रू हम प्लेट्स को बहुत ही हाई पोटेंशियल देंगे, बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल। अब प्लेट को हाई पोटेंशियल देंगे तो मेटालिक स्फीयर भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल पर होंगे। अब इतना हाई पोटेंशियल से वो कैपेसिटर चार्ज हो चुका है दोनों प्लेट्स पर, अगर बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज है तो वो थोड़े टाइम बाद डिस्चार्ज भी तो होगा ना, ठीक है। हाँ, तो वो स्फीयर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। अब जो स्फीयर ऐसे हैं, इनके चारों तरफ यहाँ पे एयर है, तो ये डिस्चार्ज कहाँ से हो गए, डिस्चार्ज का मतलब क्या, अगर इस स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आसपास वाली एयर पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस, जैसे कोरोना डिस्चार्ज पड़ा था ना फर्स्ट यूनिट में, हाँ वो स्पार्क्स ही बनने लग जाएंगी। और यहाँ पे जो ये स्पार्क्स बनी, इसका हमने नाम दे दिया टीनी वेव्स, और टीनी वेव्स को डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा और उनका नाम रख देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बन रही है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले ये जो मोबाइल वाली जर्नी स्टार्ट कहां कहां से हो रही है। देखो, नेक्स्ट है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले इसकी वेवलेंथ देखते हैं, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाँ वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी है, 5×10^7 हर्ट्ज, 5×10^7 हर्ट्ज, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब फ्रीक्वेंसी हमने एक्सपेरिमेंटली निकाल ली कि इतनी फ्रीक्वेंसी आ गई, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा ना, सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा का सी बाई न्यू, सी की वैल्यू 3×10^8, फ्रीक्वेंसी की 5×10^7, तो यहां से वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर, न्यू, न्यू बोलते इसको, न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू है, न्यू बोले, न्यू, न्यू, हाँ हाँ न्यू, ये लिखा हुआ। तो अब देखो, सबसे पहले पता है इसको थोड़ा सा ना फील करना है रियलिटी में कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। हर्ट ने एक्सपेरिमेंट किया लैब में कि हमें अपनी बात पहुंचाने के लिए 6 मीटर तक, 6 मीटर, 1 मीटर इतना हो जाता है ना लगभग, तो 6 मीटर तक उसने अपनी बात पहुंचा दी थी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, 6 मीटर तक तो हम वैसे पहुंचा देते हैं आवाज़ बोल के, तो लेकिन उसने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि हम वेव्स को 6 मीटर तक पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हर्ट्ज की वेवलेंथ, हर्ट्ज ने, ये एक नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब हर्ट ने एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में उसकी वेवलेंथ निकाली, वो पहली वेवलेंथ कितनी निकली थी, 6 मीटर की,
ठीक है। उसके बाद अब एक साइंटिस्ट ने जब शुरुआत कर दी, कब की थी इसने शुरुआत, ये 1888 में, हाँ हाँ हर्ट्ज ने, समझ गए ना, 6 मीटर तक उसने पहुंचाई थी। फिर हमारे इंडिया के साइंटिस्ट आए। इंडिया के साइंटिस्ट कौन से थे? जगदीश चंद्र, इजी नाम है जगदीश चंद्र बोस, कभी भी ना भूले। फॉरेन वालों की तो हमें स्पेलिंग भी ना आए। जगदीश चंद्र बोस, उसने 1895 के अंदर, 1895 के अंदर अपनी वेव बनाई लैब के अंदर, लेकिन वो बहुत ही छोटे से वेवलेंथ की निकली थी, 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर, मिलीमीटर बहुत स्मॉल हो गया ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर इतना होता है 1 सेंटीमीटर। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, बट उन्होंने स्टार्ट तो किया, मतलब साइंटिस्टों ने काम करना शुरू किया। हर्ट्ज ने 6 मीटर तक पहुंचाई, फिर इंडिया में जगदीश चंद्र बोस ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो 5 मिलीमीटर से 25 mm तक पहुंचाई। उसके बाद एक साल बाद ही 1896 में मार्कोनी आया। मार्कोनी आया, इसने करवाऊं आगे तो मार्कोनी ने जो वेवलेंथ निकाली थी वो थी 50 किलोमीटर एकदम से। हाँ एकदम से, ये तेरे से इंस्पायर हुआ था। हाँ अब तो बहुत ज्यादा हो चुकी है ना, तो इसने एक साल बाद 1986 में ही कितनी पहुंचा दी थी, 50 किलोमीटर, सॉरी 1896। इसने क्या चेंज किया? अभी तक जो साइंटिस्ट थे वो इसी अपरेटस पे काम कर रहे थे, जगदीश चंद्र बोस ने भी यही अपरेटस लिया, इसने इस अपरेटस में थोड़ा सा चेंज कर दिया। 50 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूर हो गया, तो इसने जो S1 है उसको एंटीना से जोड़ दिया, डेढ़ चाना, और S2 को कर दिया ग्राउंड, ठीक है, एक को ग्राउंड और एक को एंटीना कर दिया, ठीक है। और फिर इस अरेंजमेंट का यूज करके इसने बना दिया वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन बना दिया। किसने बनाया? मार्कोनी ने, नाम दे दिया वैसे बनाया। हाँ जी, ये दूसरा निकोला टेस्ला बन गया, जो अपनी रिसर्च का श्रेय किसी और को लेने देता था, जिसको सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट करने से मतलब था, कोई अथॉरिटी नहीं लेता था कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट मैंने ही किया है। मतलब कुछ लोग सिर्फ अपने काम से प्यार करते, उनको फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो उसको लगाव था अपने एक्सपेरिमेंटों से, इसलिए वो साइंस में ही रहता था, पेटेंट नहीं करवाता था अपने एक्सपेरिमेंट्स को, पेटेंट करवाना पड़ता है। चलो देखो नेक्स्ट स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम वो लिखो, देखो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, कुछ लिखवाओगे इनमें? हाँ जी, साइड में जगह छोड़ लो, मतलब दो लाइनें ऐसे आ जाए। अरे ये रहा, ये इस तरह से नहीं, मैं लिखवाऊंगी नहीं तो मैं फोटो भेज दूंगी, ठीक है। हाँ इंफ्रा रेड रेज, मतलब इतना पेज छोड़ दूं? हाँ जी, देख लो। हाँ ठीक है, विजिबल छुट्टी हमारी, छुट्टी, अरे रुक जाओ काम है अभी, मेरे को नहीं, क्या लिखूं, ये भी बोली फिर छोड़ दे,
तुम बोलते बहुत, मैं कितना कितना काटूंगी वीडियो से, इतना फालतू बकवास कर रहे हो बहुत ज्यादा। हम तो पेड़ छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो छोड़ दो, तुम कितना ही छोड़ दो। हाँ तू नहीं बोलती है, मुझे एडिट करने में बहुत टाइम लगेगा ऐसे छोटी छोटी, मतलब पूरी मुझे भी सुननी पड़ेगी पहले, फिर कट करूंगा। ये दिख रहा है इतना नीचे, स्किप कर देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो ठीक है। नैन्सी तू थोड़ी कम बोल, तू बहुत बोल रही है सीरियसली। यहाँ पे कोई राम नहीं है, कोई अक्षरा नहीं है, ठीक है। ये ट्रिक है बस, देखो ये याद करने की है ना, इसी पैटर्न में तुम्हें याद रखना है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। अब इसकी हाँ देखो, ऊपर से नीचे जाएंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी ना, ये तो बताने की बात ही नहीं है। यहाँ से देखो एक बार सामने, राम में आर से रेडियो वेव्स, एम से माइक्रोवेव्स, सेड साइलेंट है, आई फॉर इंफ्रारेड, वी फॉर विजिबल, यू फॉर अल्ट्रा वायलेट। यू को तुम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, यू यू फॉर अल्ट्रा वायलेट, अक्षरा मतलब एक्स, एक्स रेज, जी फॉर गामा रेज। बिल्कुल इजी सा है ना, तो एकदम से याद हो जाएगा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। हाँ सेट छोड़ देना, कर लोगे। ये स्पेक्ट्रम तुम्हें याद रखना है। अब जैसे तुमने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि वो तो लाइट की वो होती है स्पीड सी, है ना, मैंने कहा था कि लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। देखो लाइट में कितनी सारी वेव्स आ गई, रेडियो वेव्स भी आ गई, इन माइक्रोवेव्स भी आ गई, इंफ्रारेड जो सन से आ रही, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, यही तो स्पेक्ट्रम होता है। विजिबल में वो सारी आ गई वी ग्योर वाली, ऑरेंज, रेड, येलो। तो सारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, वो एक वेव नहीं है, वो बहुत सारी वेव्स का ग्रुप है, और इनकी फ्रीक्वेंसी जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। जो मैं यहाँ पे फोटो सेंड कर दूंगी, वहाँ से लिख लेना अपनी, ठीक है, या तो उनकी फ्रीक्वेंसी याद कर लेना या फिर वेवलेंथ याद कर लेना, एक याद कर लेना। हाँ करनी पड़ेगी एक तो, ठीक है, बाकी दूसरी निकाल सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्पीड बाय वेवलेंथ, तो दूसरी निकाल सकते हो, एक याद करोगे, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखोगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि हमने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती है, जब चार्ज ओसिलेट करता बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन जो चार्जेस ओसिलेट कर रहे उनकी फ्रीक्वेंसी भी तो अलग अलग होती है वाइब्रेशन की। जब फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज वाइब्रेट कर रहा है, ओसिलेट कर रहा, वही अलग अलग है, दैट मीन्स उससे जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो भी अलग अलग होगी। क्योंकि ये जो वेव्स बन रही है वो चार्ज की ओसिलेशन से बन रही है, और वो जो चार्ज की ओसिलेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी हर बार अलग अलग है, तो हर बार अलग अलग वेव बन रही है। बोलो बुद्धो। हाँ भाई नंबर दे देते हैं कि जो जो देख रहे हैं अपना मैसेज कर दो, हम समीर वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे, है ना। चलो अब ना इसके बाद लास्ट टॉपिक, ठीक है। अब जो ये लास्ट टॉपिक है ना, इसमें टोटली है रट्टाफिकेशन, ठीक है। रट्टाफिकेशन में इसमें बहुत सारी वेव्स दी हुई हैं, उनके यूजेस दिए मिलेंगे, और उन सारे यूजेस को याद करना है तुम्हें।